तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये हमारे गांव की जो एक्सक्लूसिव जो सड़कें होती है ना मिट्टी वाली, आज उसके अंदर क्योंकि बारिश चल रही है 2-3 दिन से, और ऐसे में हम हमेशा इसका एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश करते हैं और दिखाते हैं हमारे खेत खलियान। तो यह है श्यामपुरा से जो रामू का बास के लिए कच्ची सड़क जाती है बेसिकली, उसको हमने पकड़ा है। देखते हैं क्या मिलता है आगे, बने रहिए डीपीएसपी के साथ। छोटा सा मंदिर, उस मंदिर में भजन चलते हुए सुबह सुबह ग्रामीण जीवन की शुरुआत ईश्वर के नाम से, बहुत ही प्यारा अनुभव। देखिए नंदी तो क्या है, हमारे यहाँ पे इतने हैं, बहुत ही प्यारा इनका जो एहसास जो होता ना, इनको देख के लगता है यार देखिए किस प्रकार से जो है इनको जो छोड़ा गया है। हालांकि देखिए नंदीशालाएं बनाई गई है सरकार के द्वारा, तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं यार इनको प्लीज़ वहाँ पे ठिकाने पे पहुँचाएं। अब देखिए आप जो ब्यूटी है ना, देखिए शानदार, गिर भी सकते हैं और आगे से क्या कई बार साधन भी आ जाते हैं तेज, तो थोड़ा सा टेक्निकली रहते हुए टर्न्स का अंदाज़ा लगाते हुए चलते रहें। बर्ड्स की आवाज़, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ आवाज़ लगा रहे हैं, प्रीतम प्रीतम फील कीजिए आप, अति सुंदर। देखिए सुखद कर्ण प्रिय बहुत प्यारा अनुभव। देखो ऐड आता ना जैसे गर्मी में भी सर्दी का एहसास, सर्दी में भी गर्मी का एहसास, वैसे ही आप देख सकते हो सीकर में भी कश्मीर का एहसास, बहुत ही प्यारा। ये देखिए आप शानदार एक सड़क, चलते रहें, कंट्रोल्स वगैरह का ध्यान रखें वाओ ब्यूटीफुल यार, आज क्या मडगार्ड टूट गया साइकिल का। ये देखिए यह आ गया फाटक और रेलवे लाइन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जल्दी आ गया यार, उम्मीद सोचा भी नहीं था हमने तो, ये रामू का बास वाला ये शायद फाटक, देखते हैं आगे से जाने से पता लगेगा। ये बालाजी का स्थान, जय श्री बालाजी, शानदार। ये सुबह की दुनिया, ये कश्मीर एक आपको ध्यान होगा एक अरिंद क्रिएशन के द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है तस्वीर है, ये सीकर है, उसमें जो है उसको कन्वर्ट किया गया था और बड़ा प्यारा एक गाना था वो, जो 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 जिन लोगों ने भी सुना है वह इसको याद कर सकते हैं अभी के सीन्स को देख के, बहुत ही प्यारा सा एक अनुभव होता है जब हम निकलते हैं। देखिए आप, अब आपको जिगजैग में चढ़ना पड़ेगा। जी को क्या रही आपकी, बहुत प्यारा। जिन लोगों को दुनिया एक्सप्लोर करने का शौक है उनके लिए बहुत ही उत्तम चैनल है डॉक्टर प्रीतम सिंह ब्लॉग्स। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली जो इस किसी क्षेत्र से संबंधित हैं उसी को आप देखें, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखें दुनिया को एक्सप्लोर करने के ये भी तरीके हैं। बहुत ही प्यारा सा एक तरीका है साइकिल, ये देखिए आप, किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस एक जज्बे की। अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं रेल की पटरी के बिल्कुल पैरेलल, और यह है एक आधुनिक तकनीक है जो कि आवागमन के लिए प्रयोग में की जाती है, रेलगाड़ी उसकी जो है
यह रेल है, बेसिकली रेल इस पटरी को कहते हैं। अच्छा, बारिश में जब मिट्टी जमी हुई हो ना, तब बड़ा मजा आता है। देखिए इसमें आपको कच्ची जो होती है सड़कें, उस तो रिस्क ले सकते हैं, इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बारिश में। बाकी अदरवाइज तो क्या है कि आप अच्छा टाइम लेके आए, ताकि अगर कहीं फंस भी जाए ना, तो पैदल पैदल आप जो है उस डिस्टेंस को कवर कर सके। एक नंदी ट्रेन का इंतजार करते हुए, इसको भी मेरी तरह शौक है घूमने फिरने का, देख सकते हो आप। पटरी के दोनों तरफ खेत और सुबह का जीवन, पक्षियों की चहचहाट बीच बीच में, अदरवाइज अन्यथा शांत है सभी जगह। इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही चुका है इनका। मतलब चलते रहो दोनों साइड, देखते रहो क्या क्या देखे भव्य। मतलब दो इतने दिन से जो भयंकर गर्मी हो रही थी ना, दो दिन बारिश आने से जमीन को देखो, खेतों को देखो, पेड़ों को देखो, सभी मस्त हो गए यार। ये देखिए आप, इसलिए पानी जल है तो कल है, जल की महिमा को समझे मेरे दोस्तों, थोड़ा पर्यावरण का भी तो ध्यान दें। कृषक ट्रैक्टर से जो खेती का कार्य करते हुए, आवाज आ रही ट्रैक्टर की, आप सुन सकते हैं। पक्षियों की आवाज, सब में होड़ प्रीतम प्रीतम बोलने की, लगातार बोलते जा रहे हैं सभी। दूसरा रेलवे अंडरपास आ गया है और अब हम चलेंगे सीकर की ओर। ये रास्ता निकलेगा जो शोभा सरिया के पास में जो ओवरहेड फ्लाईओवर है उस पे। ये देखिए आप सुबह की दुनिया, देखिए शायद छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ है इधर नीचे, और ये ऊपर भाई साहब एक लगे हुए हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लिए। शानदार सोलर पद्धति से जो है पानी को खींचने के लिए सोलर प्लांट लगाए गए हैं आजकल सभी जगह। बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर अपना धन और जो है सभी चीज जो है धन मन इच्छा उसको जो है प्रयोग कर रहे हैं। यह कड़बी जो है कट के तैयार है खेतों में, जिन्होंने अभी भी नहीं काटी है, वह बारिश के अंदर थोड़ा सा कोई भी नुकसान होने का चांस रहता है ऐसी स्थिति में। आपकी कौन सी ढाणी है, अभी आपको नाम बताएंगे हम। एक चिर परिचित है, कई बार आते हैं हम आपको दिखाने के लिए। अभी सीधा तो चले जाएगी शोभा सरिया कॉलेज के पीछे। हाँ, यह है ढाका की ढाणी, बाजोर पंचायत समिति पीपराली। और ये राइट साइड में, अब इधर से चलेंगे ना, यह जाएगी उधर जो टी पॉइंट एक, जहाँ से ओवर हेड जयपुर रोड पे एक पुलिया गुजरती है, उधर जाएगा ये फ्लाईओवर। कभी एक आध बारी शायद हो सकता है, मैंने वीडियो डाला हो यार पहले, पर आप ये देखिएगा। ये देखिए श्रृंखला देखो पेड़ों की यार, जो बारिश में जो चहचहाट निकल के आई है ना इनकी, ब्यूटीफुल देखिए आप, अति सुंदर मनोरम। अभी तो जैसे बादल है ना जमीन पे आ गए, ये देखिए आप, इधर देखो आप अशोका ट्री, ये यूकेलिप्टस जिसको सफेदा भी कहते हैं, उसकी एक श्रृंखला। हालांकि ये राजस्थान की जलवायु के लिए इतना अच्छा सिद्ध हुआ नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी खींचता जमीन से। ये एक भव्य विशाल शीशम, देखिए ये एक पक्षी उड़ते हुए, शानदार। ये कुछ एक्जोटिक बर्ड्स देख सकते हैं आप, ये देखिए सैंड पाइपर के साथ में है। इनके आप बीक देखिए कितनी लंबी है, देखें आप, इमेजिन करें, फील करें इसको। यह शेखावटी, हमारा शेखावटी का सौंदर्य बहुत सारे हैं। ये देखिए एक ने टांग भी उठा रखी ऊपर चलने के लिए, ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा। तो इनकी आवाज़ बहुत ख़राब होती है यार, ये देखिए होल कर रहा प्लास्टिक में, ये देखिए
अभी इन दिनों देखे गए, पहले नहीं थे यहाँ पे। उड़ गए ये, थोड़ा देख के यार, ये क्यों खींच रहा फोटो हमारी। उड़ गए देख के। हाँ यार शानदार। ये है ढाका की ढाणी की रोड, देखिए बहुत ही प्यारा सा यार, एक मतलब ये सीकर है भाई साहब, देख लो आप। देखिए फिर ये बोल रहा बर्ड, अब बताने की जरूरत नहीं क्या बोल रही। आप निकलोगे तो आपका नाम भी लेगा, जैसे मान लो सुरेंद्र चला रहा साइकिल, बोल रहे सुरेंद्र 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 ऐसे। बस आपको समझने की देर है यार, ये भैया क्या बोल रहे हैं बर्ड्स, मेरे से तो बात करते हैं। ये है पाम के ट्री, अशोका के साथ पाम। ये भी देखिए श्रृंखला है इधर, शानदार अति सुंदर, बहुत प्यारा। देखिए ग्रीन हाउस इन बिटवीन द ग्रीनरी, ब्यूटिफुल ग्रीन 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 गो ग्रीन ब्यूटिफुल। देखिए छत छान से बनाई हुई, करौंदे का पेड़, करौंदे की चटनी बना के किसी ने खाई होगी तो समझ सकता करौंदा क्या होता है। वाह ये देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय रामू का वास, यह है रामू का वास स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्यूटीफुल। जय बालाजी धर्मकांटा रामू का वास। यार इलेक्ट्रिक स्कूटी, बच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटी में फुल स्पीड से द्रुत गति से भगाते हुए ऊर्जा का आनंद लेते हुए, जबकि ये उम्र होती है ऊर्जा आपके स्वयं की कंज्यूम करें ताकि आपके अंदर स्वास्थ्य का विकास हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो देखिए मन स्वतंत्र है सभी के लिए, ये निर्माण कार्य यहाँ चालू हो चुके हैं। ये क्या भाई साहब, अच्छा वाहन चालन सिखाया जाता है मुझे लग रहा है। ओके देखिए अब फ्लाईओवर आ गया है, फ्लाईओवर के साथ में हम बताना चाहते हैं कि श्यामपुरा बाजोर से कच्चा सड़क पकड़ के हमने हमारे जो शेखावाटी के गली कूचे गांव और दिखाने की आपको कोशिश की, और बारिश के जस्ट बाद जो हरियाली होती है वह भी आपको हमने दिखाई, और ऑक्सीजन जो हमने ली उसका भी आपको एहसास कराया। तो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों हमारी शेखावाटी, हमारे गांव, हमारा सीकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।